हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितना ही सुंदर सा वेस्ट पड़ी हुई जूट की बोरी से डोरमैट बनाया है। इसे मैंने बहुत आसान तरीके से बना लिया है। ये डोरमैट हमारा बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं, ये देखने में कितना ही खूबसूरत लग रहा है और काफ़ी थिक बना है, क्योंकि इसमें हमने चटाई वाला डोरमैट बनाया है। तो टू टू लेयर्स आई हुई हैं इसमें, जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है और काफ़ी थिक है। तो चलिए इस डोरमैट को बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम इस तरह के जूट के बोरे में से डोरमैट बनाएंगे, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा और काफ़ी मजबूत होगा और काफ़ी यूजफुल होगा। तो आज हम इसमें से पहले लंबी लंबी स्ट्रिप कट कर लेते हैं, दो दो इंची की, और जितना भी लंबा आपको ये डोरमैट बनाना है उतनी लंबी आप इसमें से कट कर सकते हैं। तो इसमें से लंबी लंबी स्ट्रिप कट कर लेंगे बोरे में से। तो ये देखिए, बोरे में से मैंने ये लंबी लंबी स्ट्रिप कट कर ली हैं। जितना भी बड़ा मुझे ये डोरमैट बनाना है, इसी तरह से हम काफ़ी सारी स्ट्रिप कट कर लेंगे। तो अब हम इस स्ट्रिप पर दोनों साइड से किनारे लगाएंगे। तो अब हम इस तरह का कोई भी कपड़ा लेंगे या फिर कैरी बैग लेंगे, जो हमारे कपड़े रखकर जो कैरी बैग आते हैं उनको लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये कपड़ों वाला कैरी बैग लिया है जो कपड़े रखकर आते हैं। अब हम इसमें से स्ट्रिप कट कर लेंगे जिससे कि हम इसकी किनारी लगा सकें। इस तरह से हम इसको पतला पतला काट लेंगे, लंबा लंबा। तो इस तरह से मैंने इसे काट लिया है। अब हम इसकी दोनों साइड से ये किनारियाँ लगाएंगे। तो पहले हम एक साइड में इस तरह से रखेंगे और इसकी यहाँ तक किनारी लगाकर तैयार कर लेंगे, यानी कि किनारी को सिल लेंगे यहाँ तक इस तरीके से रखते हुए। तो इसे मैं सिल लेती हूँ। इसी तरह से मैं इस साइड में लगा लूँगी। तो दोनों साइड में मैं इन किनारियों को सिल लेती हूँ। तो ये देखिए, इसकी किनारी को मैंने दोनों साइड से सिल लिया है। तो ऐसे ही हम सारी किनारियां लगाकर, सारी स्ट्रिप की किनारियां लगाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें दो कलर यूज करूँगी। तो मैंने यहाँ पर ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन रखा है। तो कुछ मैंने स्ट्रिप रेड से बना ली हैं तो कुछ मैंने ब्लू से बना लिए हैं। तो अब हम डोरमेट बना लेते हैं। तो ये देखिए, सारी स्ट्रिप पर मैंने ये किनारियाँ लगा ली हैं। तो अब हम एक स्ट्रिप को इस तरीके से रखेंगे, यानी कि इस तरह से, और अब हम इसमें ब्लू कलर की स्ट्रिप लेंगे। इसे हम एक को इसके ऊपर रखेंगे तो एक स्ट्रिप को हम इसके नीचे रखेंगे इस तरीके से। तो एक को ऊपर रखना है और एक स्ट्रिप को हमें नीचे रखना है। तो अब हम इनको सिल लेते हैं। तो इसे हम सुई धागे से सिल लेंगे। तो अब हम इसकी जो साइड से है इसे हम सिल लेते हैं, जिससे कि ये ऊपर हमारा अच्छे से बना रहे और ये निकले ना। तो नीचे वाली स्ट्रिप को लेते हुए सिलेंगे। तो ये देखिए, ऊपर मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। और तो अब हमने जो नीचे रखी थी स्ट्रिप उसको ऊपर कर देंगे और जो ऊपर थी उनको हम नीचे ही रहने देंगे। तो अब हम इसमें दूसरी स्ट्रिप लगाएंगे जो रेड वाली है उसे। तो अब जो हमने नीचे रखी हैं उनको अब हम ऊपर रख लेंगे और जो ऊपर वाली हैं उनको हम नीचे रख लेंगे। जिस तरह से हम चटाई डोरमेट बनाते हैं उसी तरह से हमें ये डोरमेट बनाना है। और इनको हम एक साथ सेट करते जाएंगे। ये देखिए, तो अब हमने जो ऊपर की साइड में सिलाई लगाई हुई है उसी तरह से हम इसके चारों ओर सिलाई लगा लेंगे। एक साइड में तो हमने पहले लगा ली है, अब हम तीन साइड जो बचे हुए हैं उन पर भी हम सुई धागे से सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि ये सेट रहे इसी में।
और ये निकले ना। ये देखिए इसको मैंने चारों तरफ से सिल लिया है, तो अब हम इसकी किनारी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्लू वाला कलर लिया हुआ है, तो इसे हम नीचे की साइड में इस तरीके से रखेंगे और इसे हम ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इसकी किनारी लगा लेंगे। तो ये देखिए नीचे से मैंने ऐसे ही रखा हुआ है और ऊपर से फोल्ड कर लिया है, तो इस तरह से हम इसकी किनारी लगा लेते हैं चारों साइड से। तो इसकी किनारियों को भी चारों साइड से सिल लेते हैं। तो ये देखिए जूट की बोरी से हमने कितना ही सुंदर सा ये डोरमैट बना लिया है और इसे हमने कितने ही आसान तरीके से बना लिया है। तो इसकी मैंने किनारियां लगा ली हैं चारों तरफ से और ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो आपने देखा होगा जूट की बोरी से बना हुआ डोरमैट कितना ही सुंदर लग रहा है।